आप परिवर्तन रैली की जो पोस्टर है उसमें आपकी तस्वीर नहीं, कमेटी बनी में आपको उसमें नहीं, आप रह कहां जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूं और सब जगह भी हूं। हाँ, कहीं भी नहीं मतलब आप भगवान हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मैं भगवान हूं। ये भी कहा कि मुसलमानों को 5-10 साल के लिए वोटिंग होनी नहीं देनी चाहिए। आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझसे आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। मैं एक हिंदू हूं, आपको जाति तो अच्छी है लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिड़ क्यों हो गई, ये गलत बात है। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मुस्लिम होते हैं जो दंगा कराते हैं? ये क्यों होता है इसका जवाब आप लोगों को तलाशना चाहिए। ये बताइए कि जब एक हिंदू लड़की का अपहरण होता है तो आप कहते हैं कि 10 मुसलमान लड़कियों को उठा ले, ये कहां तक बात सही है? इस तरह से बोलना चाहिए ये घटना वहां की नहीं? ऐसी बात बोल करके आपको लगता है ये न्यायिक बात है बाकी और लड़कियों के लिए? आप ये जो बात बोलते हैं कि हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी, वो बांटना चाहिए बंदूक, बिल्कुल शास्त्र और शस्त्र दोनों चलेंगे, हमारी परंपरा है। तो आप कैसे समाज चाह रहे हैं कि इधर भी बंदूकें हैं उधर भी बंदूकें हैं, गोलियां चलेंगी, लोग मारे जाएंगे? आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई, कहां? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इस्लाम वाले से, और आज हम आपके लिए वीडियो में लेके आए हैं एक बहुत ही एंटरटेनिंग वीडियो। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है हमारे वीडियोस का, तो आपको आज बताएंगे कि किस तरह एक पत्रकार महोदय ने योगी आदित्यनाथ जी को सवालों के कटघरे में खड़ा करके उनको सवाल पूछ पूछ के रुला डाला, और योगी आदित्यनाथ जी उस पत्रकार महोदय का एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, ना ही वो उनको फेस कर पाए, उल्टा उनसे सवाल पे सवाल रखने लगे। यहाँ तक कि उनकी इतनी हालत बुरी हो गई कि अब उनकी पार्टी वाले भी उनसे कन्नी काटने लगे हैं। देखिए किस तरह से एक भारतीय पत्रकार, एक सच्चे पत्रकार ने उनसे सवालों के उनके ऊपर तीर मारे हैं, जिसका उत्तर देने में योगी आदित्यनाथ जी असमर्थ दिख रहे थे। यहाँ पर उनको बिल्कुल बेबस कर दिया एक पत्रकार महोदय ने। इस पत्रकार महोदय ने योगी आदित्यनाथ जी से सवाल किए कि आप चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान करते हैं और चुनाव में अपना मत रखते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं, तो इसी तरह के सवालों से इनको घेरा गया और योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल बेबस दिखे। तो आइए देखते हैं ये संविधान में कहां लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो और प्रशासन नपुंसकों की तरह चुपचाप बैठा रहे, ये कहां लिखा गया? ये कहां लिखा गया योगी जी? अगर देखिए आप नाराज हो गए। नाराज नहीं हो रहा हूं मैं। क्या ये जो आप बात कहते हैं हथियार वाली, संविधान में कहीं लिखी हुई है? मैं कहता हूँ संविधान में कहाँ लिखा गया कि बहुसंख्यक समाज का कत्लेआम करो, ये कहाँ लिखा गया है? क्या आप कहाँ लिखा गया है? क्या आप एक सवाल का जवाब सवाल से देंगे? आपके पास सीधा जवाब नहीं है। मैं इस आपके सवाल ही इस प्रकार के हैं कि उस पर सवाल करना आवश्यक हो जाता है। मतलब मेरे सवाल ऐसे हैं कि आप जवाब नहीं दे पा रहे। जवाब आप आते हैं चुनाव से पहले, चुनाव को हिंदू मुस्लिम गरम करते हैं, थोड़ा उसमें आप अपने डायलॉग लगाते हैं और आप किसी तरह से वोट पाने की कोशिश करते हैं, जो राज्य सरकार जो चरमराती जा रही है। आप परिवर्तन रैली की जो पोस्टर है उसमें आपकी तस्वीर नहीं, कमेटी बनी में आपको उसमें नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप रह कहाँ जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूँ और सब जगह भी हूँ। और कहीं भी नहीं मतलब आप भगवान हैं? ये सही था, जरा सुनिए देखिए क्या बोल रहे हैं। ये भगवान है जी पत्रकार महोदय, मजा आ गया आपके सवालों को सुन के। मैं सब जगह मुझे लगता है जो जिस रूप में मानेगा मैं उस जगह वहां पे। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मैं भगवान हूँ। मैंने कभी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मैं एक योगी हूँ और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूँ। ध्रुवीकरण की बात होती है आपको सबसे आगे रखा जाता है, एक खास किस्म की राजनीति चाहिए होती है, आप सबसे पहले आते हैं। आपने कभी आत्ममंथन किया इस पर, कभी आत्मचिंतन किया इस पर? हाँ, मैं गंभीरता से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आत्ममंथन के बाद ही मैं इस बात को बोलता हूँ। हाँ जी, इस देश में एक और कश्मीर को बनने से बचना होगा, और बचाने के लिए मुझे लगता है कि अपने स्वार्थों की राजनीति को तिलांजलि देकर के आगे आना होगा। नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा पीठ है, बहुत सम्मानीय पीठ है, इसका आप इतिहास देख लीजिए। गांधी जी की हत्या हुई 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि गांधी जी को मारना चाहिए, ऐसा आह्वान किया, 9 महीने जेल में रहे। आप जिनको वो आपको गुरुजी मानते हैं, पिता तुल्य हैं आपके, लगातार जुड़े रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को 5-10 साल के लिए वोटिंग होनी नहीं देनी चाहिए। आप भी उसी तरह की बात करते हैं तो इसी आपत्ति नहीं, इसीलिए आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझ पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलिए मैं उस लाइन का अनुसरण कर रहा हूँ, जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए।
देखिए किस तरह से बातें कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, बोखला गए हैं। पार्टी में ही एक विशेष ब्राह्मण वर्ग है जिनको इस तरह की बातें नहीं पसंद आती, जिनको आप जो ये जो कड़ा रवैया अपनाते हैं वो नहीं पसंद आता। देखिए मेरी बात किसको पसंद है किसको नहीं है, मुझे लगता है कि जिसको पसंद है वो मुझे बुलाते हैं, जिसको पसंद नहीं है मैं वहां स्वयं नहीं जाता हूं। और लोग मेरी बात को मानते हैं, मेरी बात को स्वीकार कर रहे हैं। बाकी मुझे देखिए एब्सोल्यूट कोई नहीं हो सकता है, 100% किसी की बात को कोई नहीं स्वीकार कर सकता, लेकिन जो सच है उस सच को बोलने के लिए साहस चाहिए और उस साहस को हम बोलने का प्रयास करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए मैं हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है और अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संत को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आपको जाति तो अच्छी है लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे भाई, आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है कि खास ब्राह्मण वर्गीय। राजनाथ सिंह आपकी बातों को नहीं सही मान रहे हैं, आपने कहा कि कैराना कश्मीर बनता जा रहा है, वो कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। मैंने पूरे क्या कहना चाहेंगे आप राजनाथ सिंह जी को आज? देखिए राजनाथ सिंह जी हमारे बड़े नेता हैं, देख मैं उनको जो कहना उन्होंने कहा है, लेकिन मैं इस बात को बोलता हूं इस स्थिति जिस प्रकार से है, मैं जिस तेजी के साथ खराब हुई है, अगर समय रहते उसको नियंत्रित नहीं किया गया। वो भी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। राजनाथ सिंह ने कुछ ऐसे, तो ये सब लोग आप ही की पार्टी के लोग? ठीक बात है ना, ठीक बात है। ये सब पहले लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, कश्मीर में भी पहले लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई थी, बाद में 19 जनवरी 1990 घटित होता है। 19 जनवरी 1990 पे क्यों नहीं चिंतन होता है, क्यों नहीं इस पे चर्चा होती है? 19 जनवरी 1990 के बारे में कोई चर्चा आज तक नहीं हो रही है। कारण है हिंदू मारे गए, हिंदू भगाए गए, हिंदुओं का सामूहिक कत्लेआम होता है। क्या हिंदू इस देश में कहीं एजेंडे में नहीं है? उसका कोई भी आके कत्लेआम कर ले। उत्तर प्रदेश में कश्मीर की इस दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी को होने से बचाना होगा और इससे पहले ये चीजें आए हमें केराना और कंदरा जैसी घटनाओं को रोकना होगा। सीरियसली यार गजब के सवाल हैं। और योगी जी बिजली हिंदू और मुसलमान देख के बांटी जाती है, उन्होंने आपको कहा कि भाई बिजली का तार छू लीजिए करंट लगेगा पता चल जाएगा। देखिए मैंने एक कहानी पढ़ी थी बचपन में चंगू और मंगू की। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मैं देखता हूँ तो उनकी कथा मुझे लगती है वो चंगू की तरह है जो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी ठीक है। और क्या ये सच नहीं कि उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण में इन्होंने भेदभाव किया है? क्या इन्होंने मोहल्लों में और पर्व और त्योहारों में इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया है? आखिर समझाएं कौन जो व्यक्ति अपने बूढ़े पिता को ही टूटी साइकिल से उतार कर फेंक सकता है, जनता के लिए उसके कोई मायने नहीं। ये अन्याय है और ये ही बताता है कि इन्होंने समाज को इसी आधार पर बांटा है। तो क्या आप जाइए ना देखिए, या फिर ईद के समय देखिए, ये जो कट्टरपंथी वाली आपकी छवि हमारी कट्टरपंथी वाली छवि नहीं है क्या आपने कभी? मैं कह रहा हूं मैं कट्टरपंथी हिंदू नहीं हूं, एक हिंदू के रूप में, एक सन्यासी के रूप में, एक योगी के रूप में जो सच है उस सच को बोल रहा हूं। बीजेपी की कट्टरपंथी छवि रही, इन्होंने अपनी छवि बदली, विकास की बात करते हुए आए, अपना काम लेकर नरेंद्र मोदी और सन्यासी और संत मानते हैं। आपने कभी आत्मचिंतन किया है कि अगर मुझे ज्यादा लोगों की मदद करनी है तो ये एक रास्ता है जो मोदी जी ने दिखाया, इस पर चलना चाहिए? विकास हमने किया है, आप गो के विकास को देखेंगे तो मुझे लगता है आप ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछते। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुत्व की इस हिंदुत्व को आप विकास का विरोधी मत ठहराइए। हिंदुत्व और विकास एक दूसरे के पर्याय हैं और हम लोगों ने विकास कराया है तुम्हें और प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से अच्छा विकास हो। चलिए अब आप सुनिए, बड़ी आबादी को क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए? आप पार्लियामेंट के आगे खड़े होकर और आपकी भाषा तो होती है, आपने कहा कि बेमौसम बरसात है, आप महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, उनको पढ़ाएंगे नहीं, भ्रूण हत्या कर देंगे। अरे प्रतिबंध लगाना है भ्रूण हत्या पे लगाइए, उसको पढ़ाइए लिखाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, आगे बढ़ाइए। और हमने इसी बात को कहा आरक्षण हर समस्या का समाधान नहीं। यही तो होता है योगी जी, आप तिरछे चले जाते हैं एक तरफ, ये सीधा रास्ता है, सुन तो लीजिए, गुमराह करने वाला रास्ता नहीं, सुन तो लीजिए, सच्चाई वाला रास्ता है, वही सच्चाई बोलना नहीं सुनना चाहते। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मुस्लिम होते हैं जो दंगा कराते हैं? मैंने ये नहीं कहा, लेकिन ये सच है दुनिया में हर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र अति संवेदनशील होता है और असुरक्षित होता है। ये क्यों होता है इसका जवाब आप लोगों को तलाशना चाहिए। ये सोच अपना सरकार का वक्तव्य, मुझे लगता है कि हम इससे सहमत नहीं। हम आप लोग क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, हम लोग का आधार और मुस्लिम को नहीं मानते। ये बताइए कि जब एक हिंदू लड़की का अपहरण होता है तो आप कहते हैं कि 10 मुसलमान लड़कियों को उठा ले, ये कहां तक बात सही है? इस तरह से बोलना चाहिए? ये घटना वहां की नहीं, सामान्य बात नहीं है। आजमगढ़ में 3 हिंदू बालिकाओं का अपहरण होता है, उनका रेप होता है, उनकी हत्या होती है, FIR लॉज नहीं होता है।
हम लोगों ने फिर प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर आप न्याय नहीं दे सकते हैं तो क्या आप इस प्रकार का वो देना चाहते हैं कि अगर एक हिंदू बालिका के साथ एक करें तो हिंदू को भी क्या आप इस प्रकार का वो करेंगे, इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेंगे? कानून का राज है तो कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए, और ये प्रशासन का दायित्व है। लेकिन ऐसी बात बोलकर कि आपको लगता है ये न्यायिक बात है बाकी और लड़कियों के लिए? वो न्यायिक है क्या नहीं है, क्या क्या है क्या नहीं है, ये महत्वपूर्ण ये है कि उस समय जनता के हित में जो होगा हम बताएंगे। आप ये जो बात बोलते हैं कि हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी, आप ये बोलते हैं मेरा ये वक्तव्य नहीं, लेकिन अगर रक्षा के लिए आवश्यक होगा तो बांटना चाहिए। बिल्कुल शास्त्र और शस्त्र दोनों चलेंगे, हमारी परंपरा है शस्त्र रखते रास्ते शास्त्र चिंता पर रखते, हम दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। समझ लीजिए तो अगर हम विकास की बात करेंगे तो सुरक्षा की बात भी करेंगे, दोनों साथ तो आप कैसे समाज चाह रहे हैं, इधर भी बंदूकें हैं उधर भी बंदूकें हैं, गोलियां चलेंगी। अगर शासन प्रशासन फेल हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जनता को अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना चाहिए और जनता खड़ी हो रही है। ये गजब का इनका ये बात आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई है, कहां ये संविधान में कहां लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो और प्रशासन नपुंसकों की तरह चुपचाप बैठा रहे, ये कहां लिखा गया है? अगर न्याय पाने का अधिकार किसी एक जाति और मजहब को है तो बहुसंख्यक समाज को भी है। देखिए आप नाराज हो गए। नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं इस बात को कह रहा हूं कि संविधान किसी जाति किसी मजहब को भी छूट नहीं देती है कि सरेआम कत्लेआम करें या एक वर्ग विशेष को पलायन करने के लिए मजबूर करते। क्या ये जो आप बात कहते हैं संविधान में कहीं लिखी हुई ये मेरा वक्तव्य कहीं है ही नहीं, तो आप अपने तरीके से अपने बात को मेरे मुंह में डाल रहे हैं तो मैं उसकी बात कहां से कर सकता हूं। लेकिन ये शास्त्र सम्मत है तो मुझे लगता है कि शास्त्र सम्मत है तो हमें उसका अनुपालन करना चाहिए। ये कहां लिखा हुआ संविधान में? ओए होए, तो संविधान से भी मैं कहता हूं संविधान में कहां लिखा गया कि बहुसंख्यक समाज का कत्लेआम करो? ये कहां लिखा गया है? क्या आप कहां लिखा गया है? किसने कहां लिखा है कि कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करा दो, कश्मीरी पंडितों को मार डालो? ये संविधान में कहां लिखा गया है? क्या आप एक सवाल का जवाब सवाल से देंगे? आपके पास सीधा जवाब नहीं है। मैं इसीलिए आपके आपके सवाल ही इस प्रकार के हैं कि उस पर सवाल करना आवश्यक हो जाता है। मतलब मेरे सवाल ऐसे हैं कि आप जवाब नहीं दे पा रहे? जवाब जवाब नहीं, जवाब के साथ सवाल करना आवश्यक है। तो आप पर ये तो मानते हैं कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है जो आप कह रहे हैं? संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है। संविधान हर नागरिक को, भारत में किसी नागरिक को जाति मत मजहब या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। प्रदेश में हुआ है और देश के कई राज्यों में अतीत में ये हुआ है। जनता को बुनियादी सुविधाएं देने की बजाय सपा ने 15 वर्षों में कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बना करके केवल ग्राम समाज की जमीन को गरीबों की जमीनों को कब्जा किया है। भारतीय जनता पार्टी तो विकास भी करेगी। अब मैं आपसे पूछूं सवाल, उत्तर प्रदेश की हालत ही खराब है, आप हथियार देने तक की बात कर देते हैं, आप क्यों नहीं आप आते हैं चुनाव से पहले, चुनाव को हिंदू मुस्लिम थोड़ा उसमें आप अपने डायलॉग लगाते हैं और आप किसी तरह से वोट पाने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल आपको जानकारी होती तो प्रश्न आप मुझसे नहीं पूछते। पता नहीं तो अगर आपने देखा होता ये प्रश्न आप मुझसे नहीं पूछे होते और इस प्रकार के प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती आपको। आपको जानकारी नहीं, यहाँ पर बात सुने पहले मुसहर जाति के लोग जो भूखों मर रहे थे, अगर इन आंदोलनों को कभी आप लोगों ने सही ढंग से देखने का प्रयास किया होता तो संभवतः ये प्रश्न आप कभी नहीं पूछते मुझसे। जो राज्य सरकार जो चरमराती जा रही है आपने उन्होंने देखे होते तो प्रश्न ही आप मुझसे नहीं पूछते। एक दूसरा नहीं वो मैंने देखा है, आपने रोते हुए जो बात मैंने कहा ना वो संवेदनशीलता है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस बात को कहा। आपने हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया है, आप अली नगर का नाम आर्य नगर रख देते हैं, उर्दू बाजार का हिंदी बाजार, ये कहां जाके रुकेगा आपका? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, अतीत के गौरव के साथ वर्तमान को जुड़ना चाहिए। हम किसी संकीर्ण दायरे में चलने के बजाय हाईवे पे चलें। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ताजमहल का भी नाम बदलवा देंगे, सबका नाम बदलेंगे। क्या होगा जी ताजमहल का नाम, वो तो आप तय करेंगे। नहीं मैं क्यों, आप बदलवाना चाहते हैं, मैं कौन होता हूँ? आप जो तय करेंगे हम तय करेंगे। नहीं पर आपने मतलब आप क्या कह रहे हैं, ताजमहल बदलवाना चाहते हैं? पर नाम नहीं सोचा योगी आदित्यनाथ। मैंने कहा ना समय आने हुए हैं, चीज का इंतजार करिए। सारी चीजों में एक बार बोल दूंगा तो फिर अगली बार का कौन सा मसाला मिलेगा आपके पास? मसाला बचा बचा के चलते सोचा की आपके पास बहुत मसाला है, इसीलिए कह रहे हैं ना कि सारी चीजें एक बार बोल देंगे, अगली बार के लिए कुछ रखिए। प्रधानमंत्री वाली बात क्यों कर रहे हैं? पता नहीं क्या प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य कहा है कि कोई भी ऐसा कार्य आप और उन लोगों को जो सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले। अगर आपसे कहे केंद्रीय नेतृत्व कि हिंदू युवा वाहिनी को बंद कर दीजिए, मैं एक मिशन के साथ जुड़ा हूँ, अपने अभियान के साथ लगा हूँ कि जनता मुझे चुनके भेजती है, का समग्र विकास करता हूँ, हिंदू समाज की रोटी खाता हूँ, हिंदू समाज के लिए कार्य करता हूँ, यही मेरे जीवन का ध्येय है, बाकी कोई ध्येय नहीं। ये जो कट्टरवादी हिंदूवादी बात है उससे हम लोग 15 सुन लीजिए, और फिर उन्होंने विकास उसमें जोड़ा, बाद में आया विकास,
तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की क्या इस तरह का कोई बदलाव आपके अंदर दिखाई देगा? विकास हमारा पहले भी एजेंडे में था, विकास हमारे एजेंडे में आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। हिंदू न कट्टर होता है न सॉफ्ट होता है, हिंदू केवल हिंदू होता है, और उस हिंदू को हिंदू के रूप में आप पहचाने तो आपकी बड़ी कृपा होगी हिंदू समाज पर। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे योगी जी किस तरह से हिंदू हिंदू की रत लगाए बैठे हैं, जबकि जो हिंदुस्तान है, जो हमारा देश है, भारत देश, यहाँ पे हर धर्म के लोगों को बराबरी से देखा जाता है, बराबर समझा जाता है। और योगी जी को ये बात समझनी चाहिए कि वो एक योगी अपने आप को कहते हैं, अपने आप को एक संत कहते हैं, उसके अलावा वो एक मिनिस्टर हैं, एक बहुत बड़ी समाज सेवक की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं। तो उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो किसी एक विशेष समाज से नहीं जुड़ के रह सकते और दूसरे समाज को नहीं नकार सकते। जिस तरह से वो दूसरे समाज को, दूसरे धर्मों को नकारने की बात करते हैं और सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व को बढ़ावा देने की बात करते हैं, तो ये उनको समझना होगा कि ये बातें उनको बंद करनी होगी। नहीं तो जिस दिन इस देश की जनता जाग जाएगी, जागरूक हो जाएगी और धर्म से ऊपर उठ जाएगी, तब योगी जी को बहुत भारी पड़ेगा, योगी जी को निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये कहते हैं, अपनी बातों में पर्सनल टिप्पणियां देते हैं अखिलेश यादव जी पे कि उन्होंने अपनी साइकिल पे से उनके पिताजी को उतार के फेंक दिया, ऐसा कर दिया। तो इन्होंने अपने परिवार के साथ क्या किया? ये अपने परिवार के साथ कोई रिश्ता रखते हैं? ये अपने आप को योगी कहते हैं? योगी का मतलब होता है कि एक नम्र विचारधारा वाला व्यक्ति जो हर किसी को एक समान समझे। और ये कभी हथियारों की बात करते हैं, कभी धर्म की बात करते हैं, कभी शास्त्र की बात करते हैं, किसी पे पर्सनल टिप्पणियां देते हैं और खुद का क्या हाल है ये वो नहीं देखते। तो योगी जी को ये समझना होगा कि इस तरह की बातें, बेतुक बातें, बेबाक बातें किसी इंटरव्यू में ना की जाएँ, जिससे इनकी छवि खराब ना हो। इसकी वजह से योगी जी की छवि खराब होने का अंदेशा है। और ये जो धर्म की बातें हैं, ये हिंदू मुसलमान की बातें हैं, क्योंकि इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर धर्म के लोग रहते हैं और हमारा संविधान हर धर्म को बराबरी का दर्जा देता है। कोई ऊंच नीच का दर्जा किसी व्यक्ति विशेष के लिए यहाँ पर नहीं रखा गया, सभी भारतीय को समान अधिकार है। तब यहाँ पर अगर आके आप धर्म को लेके एक मिनिस्टर होने के बाद, एक मुख्यमंत्री होने के बाद, एक इतना बड़ा राज्य का कार्यभार संभालने के बाद आप इस तरह से बातें करेंगे, इस तरह की प्रवृत्ति रखेंगे, तो हमारे देश के अंदर क्या मैसेज जाएगा, युवा पे क्या मैसेज जाएगा और दूसरे देशों को हमारे देश से क्या मैसेज मिलेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि मुसलमान कंट्रीज बहुत हैं दुनिया में और वो भी हमें बड़े प्यार से देखते हैं। हमारे लोग वहाँ जाते हैं उन देशों में, जिस तरह से सऊदी अरब जाते हैं, दुबई जाते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं और अच्छे काम करते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं, अपने बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, वहाँ के लोगों के साथ करते हैं। तो वहाँ तो कोई हिंदू मुसलमान का फ़र्क नहीं देखा जाता, ना ही वहाँ पर कोई ऐसे दंगे और लड़ाई झगड़े सामने आते हैं हिंदू मुसलमान के। तो फिर यहाँ पे हमारे देश में जब सबको, सभी को एक समान अधिकार दिया गया है संविधान में, तो फिर हमारे देश में ये बातें क्यों, ये संविधान में जब लिखा ही नहीं गया तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, इजाज़त लेंगे आपसे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि युवा जागरूक हो। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।